जनपद में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें, बुधवार को कोविड-19 गोरखपुर जिले में 25 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 510 हो गई है, जिसमें 331 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना संक्रमित 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है, जिसमें BRD मेडिकल कॉलेज में 50, रेलवे अस्पताल में 111, एयरफोर्स अस्पताल में 2 और लखनऊ स्थित अस्पताल में 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि अब 510 कोरोना संक्रमितों में से 331 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। अभी कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 165 हो गई है। वहीं जिले में 14 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही CMO ने बताया कि बुधवार को शहर के राजघाट में 2, मियां बाजार में 3, गीता प्रेस में 1, जटेपुर दक्षिण में 1, गोरखनाथ में 1, GDA में 1, स्टार हॉस्पिटल में 2, तिवारीपुर में 1, छोटे गाजीपुर में 1, सूरजकुंड में 1, लाल डिग्गी में 1 और रेलवे अस्पताल में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं ग्रामीण इलाके के उरवा में 2, खोराबार में 3, चरगावा में 3 और सहजनवा में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। साथ ही CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पाए जाने के बाद उन सभी जगहों को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं एहतियात के तौर पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है।